वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। इसमें क्लियर करेंगे वित्त के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, वित्त से संबंधित बहुत से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये आपके कक्षा 7 की गणित का बुक है जो कि आपके NCERT पैटर्न पर आधारित है। फिलहाल ये तो महाराष्ट्र बोर्ड से है, यानी MP से, माफ करिएगा, महाराष्ट्र बोर्ड मतलब MH जिसे लिखते हैं शॉर्ट में, मुंबई से। ये आपकी भी किताब में ऐसे ही होगा अगर आप कक्षा 7 में हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपसे वृत्त से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जो कि वृत्त की व्यास यानी डायमीटर, त्रिज्या यानी क्या बोलते त्रिज्या को, और परिधि यानी सरकमफ्रेंस। त्रिज्या का जो इंग्लिश होती है बहुत ही आसान होती है, आर से ही होती है भाई, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं। तब तक देखिए, आवाज सही आ रही नहीं, सही है ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, व्यास को डायमीटर, परिधि को सर्कमफ्रेंस। तो इसे शॉर्ट में आर से और डी से और सी से लिखते हैं। अगर त्रिज्या दी है, व्यास पूछा है तो कैसे करेंगे? अगर त्रिज्या दी है, परिधि पूछा है तो कैसे करेंगे? पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए, सूत्र के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इधर हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी हम कैमरा घुमा के इधर दिखवाएंगे आपको, गौर करिएगा। ये मानिए कि एक वृत्त दिया है, वृत्त मतलब जानते हैं ना, सर्कल दिया है। अब सर्कल है तो इसमें बीचों बीच में सेंटर होगा, सेंटर मतलब जिसे केंद्र बोलते हैं। तो ये सेंटर है यानी कि केंद्र है। अगर यहाँ से कोई भी लाइन मैंने इधर मिला दिया तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब जरूरी नहीं कि मैं ऊपर को मिला हूं, आप कहीं को भी मिला लीजिए, वो त्रिज्या होगी। इधर को मिला दिया, क्या है, त्रिज्या है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। क्लियर? और वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ये मैंने यहां से वहां मिला दी, हो गया व्यास। मतलब कौन सा व्यास हो गया? अब आप कहेंगे इसी में व्यास भी हो गया, इसी में त्रिज्या भी हो गया। जी हाँ बिल्कुल, यहां तक व्यास, ये त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या है। लेकिन मैं नाम लिख दूं तो कन्फर्म हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी त्रिज्या है, अगर बी सी की बात करें तो बी सी भी त्रिज्या है, लेकिन अगर ए सी की बात करेंगे हम तो ए सी क्या है, व्यास है। समझ गए? हमने कहा कि वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो एक रेखा मैं यहां भी खींच देता हूं, इसमें कौन सी बुराई है? अब बताइए, इसका नाम जो है एफ और जी है, एफ जी, जी एफ। मतलब क्या ये भी व्यास है? नहीं, ये व्यास नहीं होगी, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये कॉर्ड होगा, जीवा होगी। क्यों? क्योंकि व्यास में कंडीशन होती है कि वो जो रेखा जा रही ना, वो केंद्र से होके जाए तभी व्यास होगी। अगर केंद्र से हल्का भी गड़बड़ हो गई, ये ऐसे बगल से गई, इसके सट के बट केंद्र में नहीं मिली हो, तो ये जीवा हो जाएगी, व्यास कतई नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, व्यास तभी होगी जब वो सेंटर से मिलके जाएगी। समझ रहे ना? अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी के अकॉर्डिंग कोई लाभ चाहते हैं तो जब तक उसको सूचित नहीं करेंगे तब तक कहां से मिलेगा आपको। ये हो गया, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यहां से आप एक बात क्लियर कर रहे होंगे कि ए बी त्रिज्या है, बी सी त्रिज्या है, लेकिन ए सी व्यास है, यानी उसका दादा है व्यास ना, दो गुना है ना। क्यों? ये टोटल व्यास है, इसमें त्रिज्या दो हो जा रही, इसका मतलब दो गुना ज्यादा है ना वो। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहां लिख लीजिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। नोट कर लीजिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे दो। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, इसको डी से लिखते हैं, इस तरह से ये आर इक्वल डी अपॉन टू भी हो सकता है। समझ गए? ये फार्मूला इसमें अभी अप्लाई करेंगे, देखिए दौड़ते हुए आएगा। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर कहीं दिया है क्या, त्रिज्या दी है तो व्यास कैसे निकलेगा, उसके लिए भी उपाय है। लिखिए ना यहाँ फटाफट, डी इक्वल टू आर, ये व्यास के लिए है, व्यास बराबर दो गुणे त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या का गुणा करेंगे तब व्यास आएगा। अगर नहीं दिखेगा तो हम आपको तिरछा करके दिखा देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया, अब त्रिज्या व्यास का जान गए। अब आता है सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि। परिधि का सूत्र होता है आप जानते हैं, ये परिधि को सी से दिखाते हैं,
परिधि सी इक्वल होता है 2πr, बस इसी में मान रख देंगे, हो गया। कैसे? देखिए सभी फार्मूले अगर आप जानेंगे तो आप कर ले जाएंगे। गौर करिएगा, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, हमें निकालना व्यास है, फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे, व्यास बराबर क्या होता है 2 × r, मतलब त्रिज्या का दूना कर देना है। तो चलिए यहीं पर रख देते हैं, 2r का मान कितना है 7 दिया है, ये 7 रख दिया, और इस तरह से ये d बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। जिसको जिसको नोट करना है जल्दी जल्दी से कर ले फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी करें, हो गया ना। तो ये अब आप यहां भर सकते हैं क्या, ये 14 सेंटीमीटर भर दिए, अब आप कहेंगे व्यास भी आ गया, त्रिज्या भी आ गई, अब परिधि कैसे आएगी, परिधि बराबर 2πr फार्मूला लगा दीजिए ना, परिधि भी आ जाएगी ये 2। अब कहेंगे पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान रख दीजिए 22/7, सिचुएशन के अनुसार रखते हैं, 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 दिया है, 7 से 60 कट गया, ये आ गया 44 सेंटीमीटर, परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, थोड़ा फास्ट किया मैंने। इसमें देखिए व्यास दिया है, त्रिज्या कैसे आएगी, कौन सी आफत अपनाएंगे, त्रिज्या निकालना है ना, ये आर इक्वल डी अपॉन 2, डी का वैल्यू दिया है 28, रख दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया, मैं इधर करा देता हूं। तो ये होता है ना आर इक्वल डी अपॉन 2, डी का मान दिया 28, ये हो गया 2, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। याद रखेंगे व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो ये 28 है तो ये 14 हो जाएगी, बट ये कितना होगा, रख दीजिए इसी में। चलिए फिर से एक बार रखते हैं, ये अगले के लिए रख रहा हूं, इसको मैंने उसके लिए रखा था ऊपर वाले के लिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाए कि ये सब क्या कर रहा भाई बार बार। 2 × π का मान 22/7, आर का मान है 14, ये रख दिया 14, 7 से कट गया, 7 × 14 और 22, ये सब गुणा कर लेंगे, 22 का 2 में 2 का 2 में, 22 × 44 × 88, इस तरह से आ गया आपका 88 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे परिधि दिया है बाकी कुछ भी नहीं दिया है, जी हाँ इसी फार्मूले में अप्लाई करिए ना, आर का मान आ जाएगा, परिधि कितनी दी है 616, इधर रख देंगे 616। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा, लेकिन इस क्लास को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आने की हमारी जिम्मेदारी होगी, आप बस लास्ट तक देखते रहिएगा, फिर देखिए क्या होता है। ये 2π का मान रख दीजिए क्या, 22/7 ही रख देते हैं r, ठीक है हो गया, कर लेते हैं आगे, ये क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो नीचे इधर 7 ही है और कुछ भी तो नहीं है 7 के अलावा, तो 7 का गुणा हो जाएगा इसमें पूरे में, तो ये मैं इधर थोड़ा सा लाके करता हूँ हल करके खिसका के, तो ये हो जाएगा 22 × 2 और गुणा r बराबर ये क्या हो जाएगा 616 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो 616 × 7, यहाँ से r बराबर निकालेंगे 616 × 7, नीचे 22/2 काट दीजिए जो भी कट जाएगा, 22 × 44 भाग दे के देखिए कितना आएगा, आप लोग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, जल्दी से हल करके बताएं फट से कितना आएगा, बहुत जल्दी करें कैलकुलेशन, फास्ट करें, सभी का हल हो गया, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है 98 आएगा लगभग कट फिट के। कैसे आएगा गौर करिएगा, ये काट दीजिए 2 से ही, आप 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6 और ये आ गया 308, 308 आ गया ना, आप 22 से काटिए 14 बार जाएगा, क्यों 22 एक कम 22, बचेगा कितना 8 और ये हो जाएगा 88, 22 × 4 = 88, अब 14 का 7 में गुणा हो जाएगा तो आर बराबर 98 आएगा 98। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, ये आर का मान आ गया 98, तो व्यास का मान कितना आएगा, इसका 2 गुना आएगा, किसका दादा है ये, तो 2 × 8 = 16 हासिल है, 2 × 9 = 18 = 19, 196 आ गया, बस सिंपल सी बात है, इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे, इसमें पॉइंट लगा है बाकी कुछ नहीं है, समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। ये था वृत्त के व्यास त्रिज्या और परिधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास,
कैसी लगी आपको? उम्मीद करते हैं आप तीनों चीज समझ गए होंगे, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। समझ गए ना? तो इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा, अपने विचारों को कमेंट करिएगा, और इतना ही करने से काम नहीं बचेगा, एक काम और करिएगा, वो ये कि इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी चलाते हैं, जो भी दौड़ाते हैं, जहाँ भी, हर जगह इस क्लास को भी दौड़ा दीजिएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको कुछ और शॉट दिखाते हैं। जल्दी करें, हो गए, लिख लिए, ये फार्मूले वगैरह नोट कर लीजिए, बहुत ही काम के हैं आपके। जी बिल्कुल, बचपन से लेके बुढ़ापे तक काम आएंगे ये, नोट कर लिए। तो आपको इस क्लास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना है, कोई सुझाव, शिकायत, जो भी शिकवा गिला हो, आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com पर विजिट करके आप PDF फाइल, करंट अफेयर, पढ़ाई से संबंधित सभी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप नंबर, इसको जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसे सेव कर लेंगे तो आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट होती रहेगी, व्हाट्सएप की स्टेटस को देख करके आप पा सकेंगे। और अनअकैडमी का प्लस, जी हाँ, अनअकैडमी का प्लस लाइव क्लास जो है शुरू हो रहा है PBR स्टडी की तरफ से, यानी कि PBR स्टडी का जो है वो लाइव क्लास अनअकैडमी पर होने वाला है। 25 तारीख से पर्यावरण की क्लास शुरू होगी। आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स जो है सब्सक्राइब करें। अगर आप PBR स्टडी के माध्यम से करते हैं तो आपको हजारों रुपए की छूट मिलेगी उसमें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते हैं, मानते हैं कि आपने SSC के लिए लिया, तो SSC का अगर आपने कोर्स सब्सक्राइब किया ना, जो कि मात्र 3000 या 2500 में होगा, अब आपको बहुत लग रहा होगा क्यों? देखिए, जो आप जाकर के 10-20 हजार देकर के कोचिंग करते हैं SSC की, पूरा संपूर्ण मटेरियल आपके घर मिलेगा, सब कुछ आपके घर पे मिलेगा, और वो भी एक कोचिंग का नहीं, जितने बड़े बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो भी आपने कहीं सुना होगा, अनअकैडमी पर आपको सभी कोर्स मिलेंगे। अगर आपने SSC का कोर्स एक बार सब्सक्राइब किया अनअकैडमी पर, तो आपको ऑल इंडिया के सभी बड़े एडुकेटर का SSC का कोर्स आपको मिलेगा वहां पे, यानी आप सभी का कोर्स देख सकते हैं लाइव, चाहे जिसका चाहे उसका देखें। बस आपको केवल एक कैटेगरी सब्सक्राइब करना है। अगर आपको टेट का करना है तो आपको टेट की कैटेगरी सब्सक्राइब करना होगा। सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो नंबरों पे संपर्क करें। अगर आप हमारे माध्यम से सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हजारों रुपए की छूट मिलेगी, यानी कम से कम 10-15% की छूट मिलेगी आपको, जो भी टर्म एंड कंडीशन के साथ उस समय लागू होगा, आप संपर्क करेंगे, आपको बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और बगल में बनी बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बार बार आप सभी को धन्यवाद। इस क्लास को शेयर करके जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।